ओके okay. अब हम लोग जो ये पुश के फंक्शन का एक और ट्राई रन करके देख लेते हैं। ये जब बी को इंसर्ट किया तो इसके पुश के स्कोप के बाद टेम्प पुश के फंक्शन के बाद टेम्प का स्कोप खत्म हो जाएगा। अब हमारे पास जो है वो एक हमारे पास नई नोड आती है, लेट से नई नई वैल्यू आती है सी। तो अब इस कोड के अंदर आते हैं, एक टेम्परेरी टाइप का पॉइंटर ले लिया, फिर उसके बाद टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड किया तो मेमोरी एलोकेट हुई, ठीक है, और टेम्प के अंदर उसका एड्रेस जो है वो हमारे पास चला, राइट। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम के डेटा पार्ट में वैल्यू स्टोर करा रहे हैं और फिर टेम के नेक्स्ट पार्ट में नल स्टोर करा रहे हैं। फिर हम लोग देख रहे हैं क्यू एम्प्टी तो नहीं है, एफ नल तो नहीं है, हमारे पास एफ नल नहीं है, एफ के अंदर ए वाली नोड का एड्रेस, तो एल्स में आ जाएंगे। एल्स में क्या कर रहे हैं, ये रेयर डॉट नेक्स्ट इक्वल टू टेम्प कर रहे हैं, तो रेयर के अंदर बी वाली नोड का एड्रेस है। तो जब हम लोग रेयर डॉट नेक्स्ट करेंगे तो इज इक्वल टू समथिंग करेंगे, इज इक्वल टू टेम्प करेंगे, तो बी डॉट नेक्स्ट के अंदर हमारे पास सी वाली नोड का एड्रेस आ जाएगा। और फिर अगली स्टेटमेंट है हमारे पास आर इज इक्वल टू टेम्प, तो फिर हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, ये रेयर के अंदर जो है वो हमारे पास इस न्यू नोड का एड्रेस आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो ये पुश का फंक्शन जो है वो काम करेगा। तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि ये पुश का फंक्शन हो गया, ठीक है, अब आप लोगों ने जो है वो पॉप का फंक्शन जो है वो आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है। तो उसकी पहले हम लोग जो है वो लॉजिक देख लेते हैं कि लॉजिक हमारे पास क्या होगी। अब देखें, पॉप हमें पता है कि एलिमेंट जो है वो हमारे पास फ्रंट से जो है वो पॉप होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना है कि बेसिकली फ्रंट के अंदर, इसको मैं रेयर को उठा के इस साइड पे ले जाता हूँ, क्रिएट मोर स्पेस। अच्छा, अब जब हम लोगों ने पॉप करना है किसी एलिमेंट को तो बेसिकली हमारे पास क्या होगा कि फ्रंट जो है वो हमारे पास ए की जगह बी को पॉइंट करना शुरू करते हैं, ठीक है, और ए को की जो मेमोरी है वो हम लोग फ्री करवाते हैं, ठीक है। तो कैसे हम लोग ये काम करेंगे, अगर हम लोग ये तो आराम से कर सकते हैं कि फ्रंट के अंदर जो है वो उससे नेक्स्ट नोड का एड्रेस आ जाए, वो तो हम लोग इजीली कर सकते हैं, लेकिन इस जो पहले फ्रंट जिसको पॉइंट कर रहा था, ए को जो पॉइंट कर रहा था, ए को मेमोरी से फ्री भी करवाना है, तो कैसे करेंगे हमजा मुनव्वर। हाँ नासिर, टेम्परेरी वेरिएबल के थ्रू करेंगे सर, ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेंगे, उसमें आप फ्रंट का एड्रेस स्टोर करा देंगे। उसके अंदर फ्रंट वाली नोड का एड्रेस स्टोर करा दिया, ठीक है, फिर क्या करेंगे, फ्रंट फ्रंट में सर फ्रंट डॉट नेक्स्ट का एड्रेस स्टोर कराएंगे। को बेसिकली उसके अंदर उससे नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करा देंगे, तो उससे नेक्स्ट नोड का एड्रेस हमें मिलेगा फ्रंट डॉट नेक्स्ट से। तो फ्रंट डॉट नेक्स्ट जो है वो हम लोग जो है वो क्या करेंगे कि फ्रंट जो है वो इसको बी को पॉइंट करना शुरू कर देगा, फिर टेम्प को डिलीट कर देंगे। टेम्प को डिलीट कर देंगे। तो डिलीट टेम्प करेंगे तो हमारे पास ये वाली मेमोरी जो है वो फ्री हो जाएगी। देखो, जब हम लोग डिलीट टेम्प करते हैं तो टेम्प का वेरिएबल नहीं खत्म हो जाता, टेम्प का वेरिएबल रहता है, उसके अंदर वो एड्रेस पड़ा रहता है। सिर्फ डिलीट का ऑपरेटर क्या करता है कि वो जो एड्रेस पड़ा हुआ है उसे मेमोरी से फ्री करवा देता है, उसे वो ऑपरेटिंग सिस्टम को बता देते हैं कि जी ये मेमोरी अब अवेलेबल है। अच्छा, ये काम हमारे पास हो गया, दैट्स दैट्स गुड। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग जो है वो ये जो अभी नासिर ने जो अप्रोच बताई थी इसी को अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ए हमारे पास मेमोरी से निकल चुका है, अब हम लोग क्या करते हैं कि बी को जो है वो पॉप करवाते हैं। तो सबसे पहले बी का एड्रेस हम लोग एक मेमोरी में स्टोर करवाएंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट डॉट नेक्स्ट करेंगे। फ्रंट के अंदर जो है वो हमारे पास जो है वो अगली नोड का हमारे पास एड्रेस आ जाएगा, और फिर हम लोग क्या करेंगे, डिलीट टेम्प करेंगे, तो उससे हमारे पास क्या होगा कि ये मेमोरी जो है वो फ्री हो जाएगी। अब जो है वो हमारे पास फ्रंट और रेयर दोनों के अंदर हमारे पास जो है वो इस नोड का एड्रेस है। इसको फ्रंट को मैं इधर ले जाता हूँ, फ्रंट और रेयर दोनों के अंदर इस नोड का एड्रेस है। अब जब हम लोग पॉप करेंगे तो क्या होगा, अगर उसी अप्रोच को हम लोग फॉलो करें तो टेम्प के अंदर हम लोग इस नोड का एड्रेस स्टोर करवाएंगे, ठीक है,
फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट डॉट नेक्स्ट करेंगे, मतलब फ्रंट, अब ये जो सी वाली नोड है इससे अगली नोड कौन सी है? कोई भी नहीं है ना, नल है, तो फ्रंट के अंदर क्या आ जाएगा? नल आ जाएगा कि इससे आगे कोई भी नोड नहीं है। अब हम लोगों ने क्या करना है, सी वाली नोड को डिलीट कर देना है। तो जब सी वाली नोड को हम लोग डिलीट करेंगे तो फिर हमारे पास क्या होगा, ये मेमोरी जो है वो हमारे पास ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। फिर अभी कोई प्रॉब्लम, ठीक है सब कुछ? यस सर, एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। क्या सर, अगर हम लोग फ्रंट पूरा साइन कर रहे हैं उसको तो वो पूरी की पूरी लिस्ट डिलीट कर देगा ना, पहले हमें लिंक ख़त्म करना पड़ेगा उसका? नहीं, वो तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक नोट करके डिलीट कर रहे थे ना, तो अब जिस तरह आखिरी नोट जब डिलीट किए तो फ्रंट के अंदर हमारे पास नल आ गया, मेमोरी फ्री। सर शुरू में जब हम लोग असाइन कर रहे हैं, सर हमारे पास देख फ्रंट में हम लोग असाइन कर रहे हैं उसको, उसमें पूरी की पूरी नेक्स्ट पास में उसका नए नए आगे नोट पड़े हुए हैं, तो जब हम लोग डायरेक्ट डिलीट कर रहे हैं तो पूरी नोट डिलीट कर देगा सारा? नहीं, डिलीट डायरेक्टली नहीं कर रहे, देखो हम लोग टेम्प के अंदर उस नोट का एड्रेस स्टोर करवा रहे थे, फिर उसके बाद फ्रंट को आगे मूव कर रहे थे, डिलीट टेम्प कर रहे थे, तो वो टेम्प के थ्रू उस मेमोरी को हम लोग डिलीट कर रहे थे, ठीक है। तो ये करते करते जब हम लोगों ने लास्ट नोट को डिलीट किया तो फ्रंट हमारे पास नल हो गया, रेयर के अंदर उसी नोट का एड्रेस पड़ा हुआ जो हम लोगों के पास जो है वो डिलीट हो गई थी। नाउ रेयर हैज़ बिकम अ डेंगलिंग पॉइंटर, ठीक है। तो जब हमारे पास एक आखिरी नोट को हम लोग डिलीट करते हैं तो हमारे पास रेयर जो है वो हमारे पास एक डेंगलिंग पॉइंटर जो है वो हमारे पास बन जाएगा, कि उसके अंदर एक ऐसा एड्रेस पड़ा हुआ है जो बेसिकली एग्जिस्ट नहीं करता, उसे हम लोग फ्री करवा चुके हैं। तो इसको हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, आखिरी नोट को जब डिलीट करेंगे तो आखिरी नोट को जब डिलीट करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आखिरी नोट डिलीट किया है? उस वक्त हमारे पास फ्रंट के अंदर नल आ जाएगा, पहले फ्रंट में नल नहीं आ रहा था जब हमारे पास आखिरी नोट के अलावा और भी नोट्स थे तो उसके अंदर नल नहीं आ रहा था, अब आखिरी नोट को जब डिलीट करेंगे तो हमारे पास फ्रंट के अंदर नल आ जाएगा। तो हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि अगर फ्रंट नल हो गया है इस नोट को डिलीट करने के बाद तो रेयर को भी नल कर दो, ठीक है। तो ये एक एडिशनल जो है वो एक हमें चेक लगाना पड़ेगा कि जब आखिरी नोट को डिलीट करें तो उसके बाद हम लोग रेयर को भी डिलीट करते हैं, तो जब रेयर को डिलीट करेंगे फिर इट वुड नो लॉन्गर रिमेन अ डैंगलिंग पॉइंटर, और अब हमारे पास वही कंडीशन हो जाएगी कि क्यों हमारे पास जो एम्प्टी है, ठीक है। तो इसको हम लोग दोबारा एक मरतबा से देख लेते हैं। हम लोग ने पुश किया, पहली वैल्यू हमारे पास आ गई ए, फ्रंट जो है उसके अंदर भी ए वाली नोट का एड्रेस आ गया, ठीक है। और फिर हमारे पास जो है वो रेयर जो है उसके अंदर भी इस वाली नोट का एड्रेस आ गया, इसके नेक्स्ट में हमारे पास नल पड़ा हुआ है। अब फिर जब हमारे पास नेक्स्ट नोड आई बी, तो हमारे पास क्या हुआ कि ए डॉट नेक्स्ट को हम लोगों ने जो है वो बी कर दिया, ठीक है, और रेयर जो है वो हमारे पास उसने अब इस नई नोड को जो है वो पॉइंट करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास था। अब जब हम लोग पॉप का फंक्शन कॉल करेंगे तो बेसिकली क्या होगा कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले ये काम करना है कि टेम्प के अंदर जिस नोट को पॉप करना है, जिसे मेमोरी से फ्री करवाना है, सबसे पहले उसका एड्रेस जो है वो हम लोग टेम्प के अंदर स्टोर करवाएंगे। दूसरे नंबर पे हम लोगों ने क्या करना है कि फ्रंट जो है उसके अंदर अब हम लोग एड्रेस स्टोर करा देंगे नेक्स्ट नोट का, जिस तरह फ्रंट अगर ए को पॉइंट कर रहा है तो दूसरे नंबर पे फ्रंट जो है वो हमारे पास बी को पॉइंट करना शुरू कर देगा, ठीक है। और फिर तीसरे नंबर पे हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने टेम्प को जो है वो मेमोरी से फ्री करवा देना है, ठीक है। तो ये तीन काम जो है वो हम लोग कर रहे होंगे, और फिर ये तीन काम करने के बाद हम लोग एक एडिशनल चेक लगा लेंगे कि अगर हमारे पास जो है वो फ्रंट नल हो जाता है, दैट मीन्स के हमने एक जो वैल्यू थी क्यू में जो आखिरी वैल्यू रह गई थी उससे भी हम लोगों ने पॉप करवा दिया है, उस सूरत में फ्रंट नल हो जाएगा। तो अगर फ्रंट नल हो जाता है तो रेयर को भी हम लोग जो है वो नल कर देंगे। यहाँ तक बेटे कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का? ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं है तो अभी आप लोग इसका जल्दी से मुझे कोड लेके भेजें। कोशिश करो बेटे, गलत बिल्कुल गलत जैसा भी कोड है, सही है गलत है, वो कोशिश करना आपका ज़रूरी है, वो कोशिश करके मुझे भेजो और फिर उसके बाद मैं आपको अपना फीडबैक दे देता हूँ, ठीक है। तो ये मुझे जल्दी करो, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना।